नमस्कार साथियों साथियों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में आज हम बाल विकास का अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, सीजीटेट 2014 का अध्ययन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जिसमें बाल विकास पर चर्चा करेंगे। मैं प्रीवियस ईयर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका बाल विकास सेम सिलेबस में है, उसी सिलेबस को आप शिक्षक भर्ती में भी पढ़ने वाले हो, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर का स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। साथियों, आइए हम सीधे वीडियो पर आते हैं। एक एक करके हम तमाम प्रश्नों को यहाँ पर लेंगे साथियों, ताकि आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। देखो, यहाँ पर देखो, सॉरी, ये डिसलेक्सिया नहीं है बल्कि डिसकैलकुलिया है, ठीक है? ये कैलकुलिया है, याद रखेंगे, ठीक है? तो डिसकैलकुलिया का संबंध किससे है? आंकिक क्षमता, अर्थात आंकिक मतलब गणितीय। भाई, नाम से स्पष्ट है ना, कैलकुलिया। देखो, उत्तर सी दिया हुआ है ना, कैलकुलिया, कैलकुलेशन मतलब गणित से संबंधित, ठीक है? क्लियर है? चलो, प्रश्न क्रमांक दूसरा देखो। प्रश्न क्रमांक दो है साथियों, बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए किस पर? प्रतिस्पर्धा, ठीक है? ये नहीं आएगा, कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी आप नहीं कर सकते। तो सीखने हेतु आप उचित स्थिति और यदि वातावरण देंगे बच्चों को, ठीक है? सीखने के लिए यदि बच्चों को अच्छा वातावरण देंगे तो क्या होगा, वो अभिप्रेरित करने के लिए उसको बढ़ावा मिलता है, ठीक है? बच्चे जो है और सीखने के लिए इच्छुक होते हैं, ठीक है? तो सी इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है? चलो, प्रश्न क्रमांक तीसरा है भाई, देखो क्या है तीसरा। निम्न में से कौन से अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है? अच्छे अनुशासन के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है साथियों? तो कुशल मुख्य अध्यापक, स्कूल का स्वस्थ वातावरण, आदर्श शिक्षक या पुरस्कार और दंड। तो ये चारों चीज़ देखो भाई, मुख्य अध्यापक भी कुशल होना चाहिए, स्कूल का वातावरण भी अच्छा हो, शिक्षक भी आदर्श हो, और देखो पुरस्कार और दंड मिले, देखो, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। दंड दो लेकिन आप मारो पीटो नहीं भाई, दंड भी तो प्रकार होते हैं, पुरस्कार भी आप उनको दे सकते हो, लेकिन किसी भी चीज़ की अति यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये सभी इसमें आएंगे, क्लियर है? चलो, प्रश्न क्रमांक चार देखो भाई, चौथा क्या है। एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है? आदर्श अध्यापक में लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, बिल्कुल लोकतांत्रिक मतलब सभी को एक समान समझे, अपने विषय पर भी उसका अधिकार होना चाहिए, अर्थात वो अपने विषय के जानकार हो, उसको बाल मनोविज्ञान का भी नॉलेज होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, ठीक है, एक शिक्षक में। इसलिए इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्लियर है साथियों? चलो, अगला प्रश्न है देखो, प्रश्न क्रमांक पाँच देखो। यहाँ पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य व कक्षा के नीचे की जो कक्षा का कार्य नहीं कर सकता है ना। पिछड़ा बालक कौन है? जो अपने हम उम्र के कक्षा के बच्चों के जो स्तर है उनके बराबर नहीं है, अर्थात उनके नीचे स्तर के हो, वही क्या है? पिछड़ा बालक है, ठीक है? तो यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन सीरियल बट ने कहा था, ठीक है ना? याद रखना भाई इसको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ओके? चलो, प्रश्न पाँच देखो, क्या है प्रश्न पाँच में? देखो भाई, प्रश्न पाँच में क्या लिखा हुआ है यहाँ? अब इसका उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है? तो इसका जो उत्तर है सीरियल बट हो जाएगा साथियों, ठीक है ना? चलो, अगला प्रश्न में आ जाओ, प्रश्न क्रमांक छः देखो, फटाफट कर रहे हैं भाई। आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक जो प्रश्न है पूछता है, माने अनावश्यक यूजलेस प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करोगे? उससे आप बातचीत करोगे कि बेटा क्यों आप इस तरह के प्रश्न पूछ रहे हो, है ना भाई? चलो, अगला प्रश्न ले लो, प्रश्न सात देखो। प्याजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है भाई? तो संवेदी पूर्व मूर्त और औपचारिक, और उन्हीं औपचारिक को क्या बोलते हैं? अमूर्त बोलते हैं। तो बिल्कुल अमूर्त हो जाएगा, ये सी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है? संज्ञानात्मक अवस्था प्याज ने दिया हुआ है, इसको भी आप याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई। चलो, एनसीएफ 2005
क्या कहता है कि संतुष्टियों के आधार पर कक्षा एक एवं कक्षा दो के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका कैसे होना चाहिए, लिखित हो, मौखिक हो, दोनों हो या प्रेक्षण हो। तो बिल्कुल अवलोकन पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। कक्षा एक और कक्षा दो के जो मूल्यांकन है अवलोकन पर आधारित होना चाहिए भाई। चलो भाई प्रश्न नौ फटाफट करेंगे। तो प्रश्न नौ है, संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना। देखिए कौन कौन आएगा, हम उसकी बात कर रहे हैं ना, तो उपरोक्त सभी यहाँ का उत्तर आ जाएगा। तीनों जरूरी है संस्कृति की शिक्षा के लिए। प्रश्न दस देखो, कोमल शिल्प का उपागम संबंधित है। कोमल शिल्प का उपागम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित है भाई, ठीक है ना। प्रश्न 11 देख लो। चलो, एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांश ऊंचा है, इसका तात्पर्य है, यहाँ पर टीचर की बात हो रही है ना, तो भावनात्मक जो बुद्धि लब्धांश ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, वह संतुलित व्यवहार को प्रकट करेगा, ठीक है ना। याद रखेंगे भाई इस बात को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आपके बनेंगे एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है। अब देखो, इनका अंकन शीघ्रता और सुगमता से किया जा सकता है, व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं, और वस्तुनिष्ठता के कारण अधिक विश्वसनीय। बिल्कुल ये तीनों आ जाएगा, 1, 2 और 3, इसका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो प्रश्न 13 देख लो भाई फटाफट, क्या कहता है प्रश्न क्रमांक 13, विद्यालय का कार्य होता है संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण। बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा डी, ये सभी, ओके। चलो भाई प्रश्न क्रमांक 14 में आते हैं, देख लो, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक क्या होगा? धर्म, शिक्षा, संस्कार। देखो समाज में परिवर्तन लाना है तो समाज के प्रत्येक लोगों को क्या करना होगा, हमें शिक्षित करना होगा, ठीक है। इसलिए 20 का उत्तर हो जाएगा शिक्षा। क्लियर है साथियों? चलो भाई अगला प्रश्न ले लो। देखो अगला प्रश्न क्रमांक 15 क्या है, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान, इसको क्या बोलते हैं, NIBH, कहाँ स्थित है भाई? तो देहरादून में स्थित है, याद रखेंगे देहरादून में स्थित है ये संस्थान, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 16 फटाफट चलो देख लो भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, शिक्षा की प्रक्रिया के अभिन्न अंग होते हैं शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, तो ये तीनों भाई शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक का होना जरूरी है, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम, ये तीनों का होना शिक्षण प्रक्रिया में जरूरी। मान लो भाई यहाँ पर आप शिक्षक तो है लेकिन विद्यार्थी नहीं है, तो किसको शिक्षा दोगे, है ना। अब विद्यार्थी तो हैं, पाठ्यक्रम भी है लेकिन शिक्षक नहीं है, किसको शिक्षा दोगे, समझ रहे हो ना, तो तीनों जरूरी है भाई। चलो प्रश्न 17 देखो, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थियों के पास क्या होना चाहिए? केवल शिक्षा का अवसर, योग्यता और अभिप्रेरणा दोनों का स्तर होना जरूरी है भाई, ठीक है। योग्यता भी जरूरी है और अभिप्रेरणा, अंदर से अभिप्रेरित हो या बाहर से अभिप्रेरित जो भी हो, लेकिन ये दोनों चीज़ें एक विद्यार्थी के पास होना जरूरी है मित्रों, ठीक है। चलो प्रश्न क्रमांक 18 है बच्चों, चलो साथियों ठीक है ना, देखो निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब सुमेलित करना है, कैसे सुमेलित करोगे, देखो भाई किसको किसने दिया है आंसर, बिल्कुल सटीक है भाई, है ना। तो रिपब्लिक, रिपब्लिक किसने कहा, प्लेटो ने कहा, ठीक है ना। एमिल एंड एजुकेशन किसने कहा था भाई, रूसो ने कहा था, ठीक है। द स्कूल ऑफ सोसाइटी किसने कहा है, तो जॉन डीवी ने कहा है। और संध्या विधि कौन, तो आपका दयानंद, तो भी इसका ए उत्तर हो जाएगा, क्लियर है ना। चलो अगला प्रश्न 18, यहाँ पर तो हमने देख लिया, हाँ ठीक है प्रश्न 18 देख लिया भाई। प्रश्न 19 देखो भाई फटाफट, चलो थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं, क्वेश्चन छोटा है। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक, खेल विधि के जनक फ्रॉबेल, ठीक है ना, तो खेल विधि के जनक फ्रॉबेल है भाई, ठीक है ना, याद रखेंगे इस बात को, कौन सी विधि के जनक कौन है उसको, है ना। ये बहुत सारे हैं, हमने अपने नोट्स में बिल्कुल अच्छे से बताया हुआ है भाई। सीरियल बट के अनुसार पिछड़े बालक की जो बुद्धि लब्धि है
कितनी होती है? 85 से कम। जी हाँ सब, देखो भाई यहाँ पिछड़ा बालक जो 85 से कम जिनकी बुद्धि लब्धि होंगी, क्लियर है ना? ओके चलो प्रश्न क्रमांक 21 देखो भाई फटाफट, क्या इसका क्वेश्चन? प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती है, क्या है ये सच है? क्या लड़कियों गणित में कमजोर होते हो क्या जी? आप सभी मैडम से मैं स्पेशली पूछ रहा हूँ। अनुसंधान आधारित धारणा है, क्या है भाई? लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, सत्य धारणा है या उपरोक्त सभी है भाई? तो लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है कि लड़कियां गणित में क्या होती है? कमजोर होती है ना? चलो ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, प्रतिभाशाली बालक में निम्न विशेषता। अब जो प्रतिभाशाली बालक है ना, क्या क्या विशेषता होंगी उसमें? महत्वाकांक्षी तो होंगे, 110 से अधिक बुद्धि लब्धि और शब्दकोश उसमें ज्यादा रहेगा, मतलब ये सभी इसका उत्तर आ जाएगा भाई, ठीक है ना? 2014 को हम देख रहे हैं ना साथियों, एक एक करके सभी का मैं लाऊंगा भाई रोज। सृजनवाद में क्या होगा? सृजनवाद में भाई सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय तो होंगे नहीं ना, शिक्षक केंद्रित? नो, सृजनवाद में शिक्षक क्या होगा? बाल केंद्रित होगा भाई। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर है ना? ओके चलो प्रश्न क्रमांक 24 देखो फटाफट, तो क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संज्ञानात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा, है ना भाई? कौन सी परिस्थिति में संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास अच्छे से होगा? तो जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना? बच्चे को इम्पोर्टेंट मानो, बच्चे की फीलिंग्स को समझो, उनके फीलिंग को रिस्पेक्ट दोगे आप, ठीक है ना? वो जरूरी है, तभी बच्चों में क्या होगा? सामाजिक विकास होगा रे भाई, ठीक है ना? चलो 25 देखो, प्रश्न क्रमांक 25, बच्चे के अच्छे चरित्र निर्माण के लिए एक शिक्षक हो आप क्या करोगे? तो कक्षा कक्ष की गतिविधि ऐसी होनी चाहिए जिससे कि बच्चों के चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, है ना? अर्थात बच्चे की चरित्र का निर्माण हो, इस तरह से हमको गतिविधि कराना पड़ेगा विद्यालयों में, है ना भाई? चलो ठीक है। 26 देखो, भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी जो बिल है इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था भाई? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। 2014 में पूछा गया है, देखो कैसे कैसे प्रश्न आए हैं, याद रखेंगे भाई। गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार के जो बिल है वो धारासभा में प्रस्तुत किया था, है ना? चलो इवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया भाई आपका। मूल्यांकन क्या है? तो छात्रों के अधिगम की सफलता और असफलता का अध्ययन ही क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है ना भाई? वेरी गुड। चलो प्रश्न 28वां देख लो सभी साथी, तो बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया है? तो बेसिक शिक्षा क्या हो? बुनियादी शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया है भाई महात्मा गांधी ने। हस्तपरक अर्थात हाथ की कला से संबंधित, और यही तो बुनियादी है ना भाई? ठीक है ना, चलो ठीक है। फिर 29 देखो, प्रश्न क्रमांक 29, छात्रों को ठीक शाबाश बहुत अच्छा कहना क्यों ऐसे कहते हैं? तो उनको शाब्दिक पुनर्बलन दे रहे हो, मतलब उनको ये कहना चाहिए, उनकी बड़ाई कर रहे हो भाई शब्द के रूप में, ताकि बच्चा क्या है प्रोत्साहित हो जाए, है ना? पुनर्बलन दे रहे हो भाई, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है, क्लियर है ना? चलो प्रश्न अंतिम है भाई 30 क्वेश्चन, श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है तो प्रभावशाली तो बनाएगा, सृजनात्मकता भी लाएगा और क्रियाशील बनाएगा, ठीक है? ये बस नहीं आएगा भाई, तो तीसरा तीनों आएगा, ए बी और सी। ए इसका सही उत्तर आएगा, 1 2 3 आंसर आएगा भाई, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है चीजें? चलो भाई 30 क्वेश्चन हमने ले लिया सीजी टेट 2014। जी हाँ, सीजी टेट 2014 का ये क्वेश्चंस हैं साथियों, ठीक है, हमने ले लिया है। अब इसके बाद में अगला जो वीडियो मिलेगा आपको, ठीक है ना, वो अगले टेट पर मिलेगा भाई, और मैं अगला जो टेट आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ उसको मैं करूँगा 2011 का, अगला में 2011 टेट मिलेगा आपको, ठीक है? अभी 2014 का देख लो, उसके बाद में 2011 का टेट हम लाऊंगा,
और 2011 के बाद में, ठीक है, हम कोशिश करेंगे अगला जितने भी टेस्ट हुए हैं हम उनके आपको प्रीवियस कंप्लीट करवा सके भाई। चलिए इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, अच्छे से पढ़िए, तैयारी आप करते रहिए, 10 जून को आपको एग्ज़ाम है, वंदे मातरम।